अब्दुल्ला की हैप्पी बर्थडे है। वाओ अब्दुल्ला कहाँ जा रहा है? प्लेलैंड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी जनाब। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अब्दुल अहद का बर्थडे व्लॉग। हमने बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट किया, बच्चों ने कैसे एंजॉय किया और बच्चों को हम कहाँ लेकर गए, सब कुछ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब्दुल अहद की बर्थडे थी जी 27 जून को, लेकिन हम लोग बच्चों को लेकर आए थे 26 जून को डिनर के लिए। ये मेरा ही आइडिया था कि इस बार बच्चों को हम लोग आउटिंग पे ले जाएंगे और बाहर इनको डिनर करवाएंगे और उसके बाद हम इनको प्लेलैंड ले जाएंगे ताकि बच्चे अच्छे से इंजॉय कर सकें। वैसे तो हम लोगों ने घर में भी सेलिब्रेट की थी, लेकिन उससे पहले एक दिन पहले हम लोग आए थे डिनर के लिए और बच्चों को प्लेलैंड ले गए थे। अच्छा जी, ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये बहुत प्यारा सा बना हुआ था, छोटा था, लेकिन इसका एनवायरमेंट बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत पुरसकून सा माहौल था यहाँ पर, और यहाँ का खाना भी हमें बहुत अच्छा लगा था। मैंने सोचा था घर पर तो हम लोग सेलिब्रेशन करते ही रहते हैं, तो क्यों ना इस बार हम लोग बाहर चलें और घर में भी सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा सा ना डिफरेंट हो जाएगा। आउटिंग भी हो जाएगी, डिनर भी हो जाएगा और बच्चों को प्ले लैंड भी ले जाएंगे। तो बस यहाँ पर बच्चों का डिनर आ गया है। बच्चों ने मंगवाए थे जिंगर बर्गर, क्योंकि अब्दुल हादी को और अब्दुल अहद को जिंगर बर्गर बहुत पसंद है, तो बस इनके बाबा ने यही मंगवा दिए थे इनको। अच्छा, ये जो टाइम होता है ना जो हम बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं, ये बहुत प्रीशियस मोमेंट होते हैं हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी, और कल को यही मोमेंट जो है ना, ये बहुत अच्छी मेमोरीज बन जाती हैं हमारे लिए। तो बस यहाँ हमारा डिनर भी आ गया था और ये मेरे साथ मेरा भाई बैठा हुआ है, इसको भी हम लोग लेकर आए थे साथ ही। तो बस यहाँ बच्चों ने भी अपना डिनर एंजॉय किया और हम लोगों ने भी एंजॉय किया, बहुत मजा आया। मेरे ख्याल से जब हम बच्चों को इतना अच्छा टाइम देते हैं और उनको शो करवाते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, तो बच्चों के दिल में भी पेरेंट्स के लिए एहसास और प्यार उसी तरह डेवलप होता है। और बच्चों के लिए पेरेंट्स की त्वचा और वक्त बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्यादा त्वचा और वक्त देते हैं और उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, मेरे ख्याल से उन पेरेंट्स के बच्चे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अच्छा जी, यहाँ बस बच्चों ने और हमने डिनर एंजॉय कर लिया था और बस यहाँ से हम लोग निकल गए थे और उसके बाद हम लोगों ने जाना था प्लेलैंड। तो बस कुछ ही देर बाद हम यहाँ आ गए थे प्लेलैंड में और यहाँ आकर बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे, जैसे इनकी ना ईद ही हो गई हो। ऐसी जगह तो बच्चों की वैसे भी बहुत फेवरेट होती हैं और ये दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे यहाँ आने के लिए। तो यहाँ आकर इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, खूब खूब मज़े किए और इनका तो दिल ही नहीं चाह रहा था घर जाने का। हम लोग थक गए थे इनको झूले दिला दिला कर, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं थके थे। बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था इन्होंने यहाँ पर, और यहाँ का इन्होंने कोई राइड नहीं छोड़ा, सारे राइड्स लिए थे। और मैं इनके बाबा को बोल रही थी कि बस करते हैं, चलते हैं अब, लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं, इनको भी लेने दो, जितना ये लोग इन्जॉय करते हैं करने दो। यहाँ के सारे राइड्स बहुत अच्छे थे, इनके बाबा को ये वाला प्लेलैंड ना बहुत पसंद आया था। पहले हम लोग जाया करते थे कहीं और, लेकिन फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर आए थे, लेकिन इनके जो राइड्स थे ना वो सभी बहुत अच्छे थे और बच्चों ने भी यहाँ बहुत इन्जॉय किया था, इनको भी बहुत पसंद आए थे। और बच्चे यहाँ बोल रहे थे कि मम्मा हम दोबारा कब आएंगे, तो मैंने बोला कि पहले यहाँ से चले तो जाओ, फिर दोबारा भी आ जाएंगे। तो बस यहाँ पर जब अच्छी तरह इनका दिल भर गया था ना, तो फिर बस हम घर वापस आ गए थे और फिर नेक्स्ट डे 27 जून को मैंने अब्दुल अहद की बर्थडे सेलिब्रेट की थी घर पर। इनके बाबा से मैंने केक मंगवाया था और पिज़्ज़ा मंगवाया था बच्चों के लिए, और जब तक अब्दुल अहद अपने बाबा के साथ केक लेने गया हुआ था ना, मैंने थोड़ा सा रूम को डेकोरेट कर लिया था और यहाँ मैंने बलून्स लगा लिए थे कुछ इस तरीके से।
क्योंकि बलून्स बच्चों के फेवरेट होते हैं, तो बस यहाँ मैंने हल्की फुल्की सी डेकोरेशन कर ली थी। और यहाँ टाइम हो रहा है जी 10 बजे का। अच्छा जी, उसके बाद अब्दुल अहद आ गया था अपने बाबा के साथ और केक और पिज़्ज़ा वो ले आया था, और मैंने बच्चों के लिए पास्ता बना लिया था, चिकन पास्ता, क्योंकि बच्चों को ना पास्ता तो ऑल टाइम उनका फेवरेट होता है, तो मैंने सोचा मैं यही बना लेती हूँ। और बस यहाँ पर हमने हल्की फुल्की सी सेलिब्रेशन कर ली थी बर्थडे की, और मोहम्मद ताहा भी आ गया था हमारी सेलिब्रेशन में और ये भी इंजॉय कर रहा था अपने भाइयों के साथ। और ये हैं हमारे तीनों प्यारे प्यारे बच्चे, जो कि हमारे घर की रौनक भी हैं और हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं मिलकर जब ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो बस फिर हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू अब्दुल्लाह, हैप्पी बर्थडे टू यू, क्लैपिंग करें, हैप्पी बर्थडे टू यू। बस यहाँ अब्दुल्लाहत ने केक भी कट कर लिया था और अब्दुल्लाहत ही बहुत एक्साइटेड हो रहा था, बार बार मुझे पूछ रहा था मामा मेरी बर्थडे अब कब आएगी। मैंने बोला आपकी बर्थडे आने में अभी टाइम है, अभी सब्र रखो। तो बस यहाँ बच्चे अपना बर्थडे फूड इंजॉय कर रहे हैं। जी फ्रेंड्स, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों का मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन का आइडिया कैसा लगा, क्योंकि इस तरीके से बच्चों की आउटिंग भी हो गई और हमारा डिनर भी हो गया था और हम लोगों ने घर में भी सेलिब्रेट कर लिया था। इसके अलावा अगर आपके पास कोई बेस्ट आइडिया है तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो बस यहीं पर वीडियो को ख़त्म करूंगी, चलती हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआओं में हमें याद रखेगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।